Hello guys, how are you? I hope you all are healthy. So guys, do you remember addition and subtraction? आपने कितने सारे मेथड से addition और subtraction सीखी थी? कैसे कैसे सीखी थी? Pictures के साथ, stories के साथ, objects के साथ, activities के साथ और notebooks पे, books पे, जिस तरह से upper number और down number को हम fingers पे count करते हैं और subtract करते हैं. सो आपने बहुत सारे मेथड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन लर्न की. सो नाउ टुडे वी विल अगेन रिवाइज सम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. फर्स्टली वी विल डू वन एक्टिविटी. सो चिल्ड्रन, विद डाइस वी विल प्ले दिस एक्टिविटी. आपके सबके घर में डाइस होता है ना. आपने किसी भी पेपर पे या चार्ट पे, जो भी आपके घर अवेलेबल हो, इस तरह से नंबर्स लिख लेने हैं और आपने ये गेम खेलनी है. फर्स्टली वी हैव टू थ्रो द डाइस. Which number is this? 4. So count 4. 1, 2, 3, 4. So we have to put 4 on number 4. Now again throw dice. 1. अब सबसे पहले हमने 1 plus करना है. Add का sum करना है. 4 plus 1. Now 4 के आगे हमने forward counting बोलनी थी. तो 4 के बाद क्या आता है? 5. तो 1 काउंट करना है ना, तो हमने 1 काउंट कर दिया, यानी 5. सो आंसर इज 5. नाउ अगेन 1. सो काउंट 1. नाउ आई एम गोइंग टू पुट 1 और नंबर 1 ऑन नंबर 1. नाउ वी हैव टू ऐड 2. 1 में कितने प्लस करने हैं? 2 प्लस करने हैं. 1, 2, क्योंकि 1 तो आ चुका है, उसके आगे फॉरवर्ड काउंटिंग चलनी है. 1 एंड 2. सो अब हमने यहाँ पे क्या रखना है? नंबर 3. सो 2 प्लस 1 इज 3. सो आंसर इज 3. नाउ अगेन वी थ्रो द डाइस. 4. 1, 2, 3, 4. Now we put 4 on number 4. Again throw the dice. 4 plus 6. Yes, 4 में अब हमने कितने plus करने हैं? 6. तो plus का sign ये है. Plus means forward counting चलनी है. तो 6 plus करेंगे 4 के after. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. क्योंकि forward counting चलते हैं ना addition में, plus में. तो answer is 10. So 4 plus 6 is 10. Now kids, we will play this game for subtraction, means minus. But बेटा subtraction के लिए हम dice use नहीं करेंगे, हम दूसरी वे से ये game play करेंगे. Now if we want to minus 2 from 7, हमने 7 में से 2 को subtract करना है. तो count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 में से हमने कितने माइनस करने हैं? 2. तो हमने बैक जाना है. 1, 2, क्योंकि माइनस है तो बैकवर्ड काउंटिंग होती है. 2. सो आंसर इज 5. इन दिस वे इफ वी वांट टू माइनस 3 फ्रॉम 4, यानी इफ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, अगेन काउंट फर्स्ट नंबर 4 है तो हमने 4 तक काउंट करना है. 1, 2, 3, 4. अब कितने माइनस करने हैं? 3, यानी सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो माइनस में बैक जाते हैं. तो ये 4 आया था आपका फर्स्ट, दिस इज 4. अब वापस जाना है हमने, बैकवर्ड जाना है. 1, 2, 3. 3 माइनस करने थे ना, तो यहाँ 3 आया. सो आंसर इज 1. So children, in this way, if we want to minus 3 from 6, यानी हमने 6 में से 3 subtract करने हैं, minus करने हैं, तो हम पहले कहाँ तक count करेंगे? 6 तक. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और minus कितने करने हैं? 3, यानी 3 time back जाना है, backward. 1, 2 and 3. So answer is number 3.
So children, in this way you will play game of addition and subtraction. आप बहुत सारे मेथड से addition subtraction की practice कर सकते हो, मम्मा के साथ कुछ भी खेल सकते हो ताकि आपको subtraction addition अच्छे से आ जाए. Now children, we will do subtraction and addition in our notebooks.